हस्बैंड फराज अहमद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, मुझे 3 तलाक दे दिए और इन्होंने खुद मुझे बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ठाकुर दीप्ति शेखावत उसका नाम है। मोदी सरकार ने समाज के कट्टरपंथियों को चैलेंज देते हुए 3 तलाक कानून तो बना दिया, लेकिन आए दिन 3 तलाक के मामलों से साफ जाहिर है कि कानून सिर्फ कागज पर है। स्क्रीन पर देखिए, यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले के भवानीगंज इलाके में 3 तलाक का शिकार हुई महिला अपनी बूढ़ी माँ और मासूम बच्ची के साथ न्याय के लिए भटक रही है। बचपन में बाप का साया सर उठने के बाद नाना के घर पली बड़ी महिला का निकाह 2007 में फराज अहमद से हुआ था। निकाह के बाद से ही फराज पत्नी को प्रताड़ित कर दहेज के नाम पर पैसे ऐंठता रहा। पैसे मिलने के बावजूद फराज ने पत्नी को मारना बंद नहीं किया। पत्नी ने इस बात की शिकायत पुलिस से की तो पति ने 3 तलाक दे दिया। पति ने ये भी बताया कि उसने दूसरी शादी ठाकुर दीप्ति शेखावत से कर ली है। 2007 से लेकर अब तक मेरे हस्बैंड फराज अहमद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। मेरे भाई पहले छोटे थे, जब वो कुछ करने लगे तो इनकी डिमांड पूरी कर देते थे, लेकिन आए दिन इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। 2016 में इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ के यहाँ आ गई, फिर नाना और मामू ने और मेरी माँ ने इनको समझाया और मुझे वापस भेज दिया। फिर इनका मारना पीटना कम नहीं हुआ, मैं आज ही जाकर घरेलू हिंसा व दहेज का केस कर दिया। इसी बात को लेकर इन्होंने कल मुझे 3 तलाक दे दिए। मैंने थाने पे एप्लीकेशन 3 तलाक का दिया है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है और इन्होंने खुद मुझे बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ठाकुर दीप्ति शेखावत उसका नाम है। इसकी शादी हम लोग ने 2007 में की और मेरे हस्बैंड है नहीं, एक्सपायर हो गए बहुत दिन हुआ उनको। अब ये लोग दहेज के लिए जो परेशान करते थे, मारते पीटते थे, कुछ ना कुछ मांग करवाते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, अब थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं, फिर उनको घर से ही निकाल दिए। सीओ डुमरियागंज ने बताया कि हमारे पास महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जल्द ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी। थाना भवानीगंज में एक महिला ने 3 तलाक के विषय में एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर जांच करके FIR दर्ज कर ली गई है, आगे वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।